विधायक राजश्री सिंह गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम विजय राग की मौजूदगी में जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आने वाले दिनों में गांवों में पानी की आपूर्ति बिना रुकावट ना हो और पानी की बर्बादी ना हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओ समितियों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जाए। वहीं विधायक ने अधिकारियों को चेताया, किसी भी तरह की शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कहना था कि इस गांव में काम पूरा हो चुका है, बुलाया ही इसीलिए था कि जहां पे छूटा हुआ है ये उनको अगर पता है और किसी कारणवश छूटा है तो वो कोई बात नहीं, उसको हम कारण को पूरा करेंगे और हम वहां पे पाइपलाइन करवाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने जानबूझ के ये सब किया हुआ है और कहीं पाँच पाँच छः छः घर छोड़े हुए हैं तो मैं ऐसे किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ूंगी और सारी व्यवस्थाएं मैं खुद अपने आप देख रही हूँ। हर महीने मैं बैठक बुलाऊंगी, पानी की बहुत किल्लत आने वाली है, आने वाले समय में बहुत गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और पानी के लिए समस्याएं आएंगी, ऐसे में मैं खुद इस डिपार्टमेंट की देखभाल खुद ही करूँगी। जैसा कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो ये जल की समस्या आना अवश्य स्वाभाविक है, इसी संबंध में माननीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में आज जल निगम के अधिकारियों के साथ यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य बिंदु जहाँ जहाँ नल कनेक्शन दिए गए हैं उन सभी हाउस होल्ड्स तक निर्बाध पेयजल की आपूर्ति करना और साथ ही जहाँ नल कनेक्शन नहीं पहुँच पाए हैं उसमें किस प्रकार से उस परिवार को पेयजल पहुँचाया जाए, इस संबंध में चर्चा की गई। एसडीएम साहब की और ये अपनी एमएलए मैडम की कुछ चर्चाएं हुई वाटर सप्लाई के संबंध में, कुछ समस्याएं हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ तो अप्रूवल नहीं है जिसकी वजह से कुछ गांव छूट गए हैं, तो उनमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मंथ तक हो जाए सप्लाई चालू। और तापमान बढ़ता जा रहा है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर पानी की दिक्कतें आएंगी आने वाले समय। हाँ, आने वाले समय में नहीं, उसके लिए हमारी प्लानिंग है, हम अभी 104 गाँव को चला रहे हैं, 108 गाँव थे हमारे स्कीम में, उसमें से 104 गांव तो हम प्रतिदिन सप्लाई कर रहे हैं और बचे हुए 4 गांव को हमारा प्लानिंग है अभी कि 4 से 5 दिन के अंदर हम उनको सप्लाई कर देंगे।